हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इनपुट यूनिट के बारे में, आउटपुट यूनिट के बारे में और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। तो हमने बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भी तीन भागों में बटा हुआ है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो मैंने आपको बताया था मेमोरी यूनिट के बारे में। तो मेमोरी यूनिट क्या होती है मैंने बता चुकी हूँ। मेमोरी यूनिट कितने टाइप्स की होती है मैंने ये भी बताया था। मेमोरी यूनिट दो टाइप्स की होती है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। तो आज मैं आप लोग को बताऊँगी मेन मेमोरी क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेन मेमोरी, इसे आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर के सीपीयू का ही भाग होता है। प्राइमरी मेमोरी में उस समय चल रहे प्रोग्राम तथा प्रोग्रामों के इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा कुछ समय के लिए स्टोर होते हैं। जैसे उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है उन्हें हटाकर दूसरे डेटा या प्रोग्राम रखे जा सकते हैं। इस मेमोरी का आकार सीमित होता है परंतु इसकी गति बहुत तेज होती है ताकि जब भी किसी डेटा की ज़रूरत होने पर डेटा इसमें से तुरंत लिया जा सके। प्राइमरी मेमोरी को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा हमारा होता है रीड ओनली मेमोरी। तो मैं आप लोग को बताऊंगी रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन से होते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, यह मेमोरी एक चिप की तरह होती है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है, जिसे MOS कहते हैं शॉर्ट में। इसे संक्षेप में RAM भी कहा जाता है। RAM का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM में उपस्थित सभी सूचनाएँ अस्थायी होती हैं और जैसे ही कंप्यूटर की लाइट यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दी जाती है वैसे ही सारी जो हमारे डेटा होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अर्थात RAM एक वॉलेटाइल मेमोरी है। RAM को हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, हिंदी में इसे अस्थाई मेमोरी भी कहा जाता है। यह हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है। RAM का उपयोग डेटा को स्टोर करने तथा उसमें मेमोरी उपस्थित डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। अब RAM भी दो टाइप्स के होते हैं, तो पहला होता है डायनेमिक RAM और दूसरा होता है स्टैटिक RAM। तो आपको बताएंगे डायनेमिक RAM क्या होता है। इसे DRAM भी कहते हैं। DRAM चिप के स्टोरेज सेल परिपथों में एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर लगे होते हैं। DRAM को बार बार रिफ्रेश किया जाता है जिसके कारण इसकी गति बहुत धीमी हो जाती है। इस प्रकार डायनेमिक RAM चिप ऐसी मेमोरी की सुविधा देता है जिसकी सूचना बिजली बंद करने पर नष्ट हो जाती है। DRAM के अन्य और भी एग्जांपल हैं SDRAM जिसे सिंक्रोनस डायनेमिक RAM कहते हैं, RDRAM जिसे रैमबस डायनेमिक RAM कहते हैं, DDR SDRAM जिसे डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक RAM कहते हैं। दूसरा होता है स्टैटिक RAM। स्टैटिक RAM क्या होता है, इसे SRAM भी कहते हैं शॉर्ट में। इसमें डेटा तब तक संचित रहता है जब तक विद्युत सप्लाई ऑन रहती है। स्टैटिक RAM में स्टोरेज सेल परिपथों में एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। SRAM के और भी सारे एग्जांपल जैसे नॉन वॉलेटाइल SRAM, स्पेशल SRAM, एसिक्रोनस SRAM और सिंक्रोनस SRAM। तो ये था हमारा प्राइमरी मेमोरी के बारे में कि प्राइमरी मेमोरी में हमारा दो टाइप्स का होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे RAM कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी जिसे ROM कहते हैं। तो हमने रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में बताया कि ये दो टाइप्स के होता है, डायनेमिक RAM और स्टैटिक RAM। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नॉलेजेबल यूज़फुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।